अहमदाबाद में पीएम मोदी ने साइंस कॉन्क्लेव का क्या उद्घाटन, कहा देश के इंडेक्स रैंकिंग में हुआ सुधार। नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे नोएडा सिटी बस टर्मिनल का करेंगे निरीक्षण। आगरा में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे सर्किट हाउस, अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने की बैठक। सोनाली फोगाट मौत केस में कार्यवाही, दोनों आरोपियों को भेजा गया 13 दिन की न्यायिक हिरासत में। कानपुर ग्रीन पार्क में आज खेला जाएगा मैच, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर लखीमपुर से है जहां गोला विधानसभा के 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन पर सीएम योगी उनके घर पहुंचे। सीएम योगी ने दिवंगत नेता की समाधि पर फूलों की माला डालकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिवारजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिवंगत विधायक की छोटी परियोजनाओं को सरकार करेगी पूरा। बता दें कि सीएम योगी ने पूरे कार्यक्रम के बाद काशी गोला नाथ शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा और उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रख करके उन्हें प्रदेश की मुख्यमंत्री पद का दायित्व। खबर लखनऊ से है जहां आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। वहीं आरएलडी के नेता ने कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी, मिड डे मील में धांधली, किसानों को नहीं दिया जा रहा है भुगतान, कमिश्नरेट पुलिस महिलाओं के साथ कर रही है गुंडागर्दी। बता दें कि आरएलडी के महासचिव ने कहा 2024 का चुनाव महागठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे। नोएडा की घटनाएं पुलिस का एक घर्रा बन गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है और जब अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है उस परिवार की महिलाएं, उस परिवार के बुजुर्ग। पुलिस प्रशासन अपनी आक्रमणता को छिपाने के लिए उस परिवार की महिलाओं को उठा लेता है। प्रयागराज में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की श्रीमठ बांगरी गद्दी में पहली पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि संत महात्माओं के साथ ही सत्ता और विपक्ष के नेता भी शामिल रहे, जिसके बाद प्रमुख संत महात्माओं के साथ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी श्रद्धांजलि दी। पूज्य गुरुदेव की आज प्रथम पुण्यतिथि है और जिस तरह से सन्यासियों की पुण्यतिथि मनाई जाती है उसी तरीके से आज मनाई जा रही है। हमारे यहाँ जो तिथियों के हिसाब से ही हम तिथि मनाते हैं, पिछली बार यही तिथि 20 सितंबर को पड़ी थी, इस बार यही तिथि 10 सितंबर को पड़ गई है। तो दान पूर्णिमा की तिथि भी कही जाती है और विशेष रूप से सन्यासियों के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमने सभी किए। इसके पूर्व आप लोगों ने देखा होगा हमने समाधि पर पुष्पों से अभिषेक किया, समाधि पूजन किया और उसके बाद जो है साधु संतों की पंगत जो है शुरू हो चुकी है आम जनमानस को सुने। खबर
अलीगढ़ से, जहां लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने होटल, स्कूल व अस्पतालों में फायर उपकरण की जांच के आदेश दिए। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने अलीगढ़ में निरीक्षण में पाया कई होटल, अस्पताल व स्कूल के पास फायर की एनओसी नहीं है, जिस पर कार्यवाही करते हुए लिखित में संस्थाओं को सीज करने के आदेश दिए हैं। निर्देश आए हैं सभी बिल्डिंगों को चेक करने, इंस्पेक्शन करने के प्रॉपर, और पहले भी फायर डिपार्टमेंट सभी अधिकतर बिल्डिंगों को चेक कर चुका है। तो हमने पहले भी प्रशासन को रिपोर्ट दी हुई है, जिसमें होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी की अधिकतर रिपोर्ट जा चुकी है। प्रयागराज में प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थक आमने सामने हुए, जहां बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने नारेबाजी की, साथ ही समर्थकों ने शिवपाल यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि सुरेंद्र चौधरी पर जमीन कब्जाने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं के समर्थकों को समझाने में जुटी है। लखनऊ के चर्चित लेवाना होटल अग्निकांड में हुई लापरवाही के बाद कई और लापरवाही मामले सामने आए। सीएम योगी के मामले की जांच में मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को सौंप दी गई, जिसके बाद कई जिम्मेदार विभाग, एलडीए और अग्निशमन विभाग की लापरवाही सामने आई। वहीं एलडीए ने चारबाग में बने अवैध होटल एसजेआई में कड़ी बड़ी कमियां नजर आई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एलडीए ने 140 अवैध होटलों की सूची भी तैयार की, जिसे जल्द ही सीज और ध्वस्त भी कर दिया जाएगा। मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं देर से आता नहीं, मुझे देर हो जाती है, लेकिन क्या हो जब इतनी देर हो जाए। इस वक्त हम लखनऊ के चारबाग स्थित एक होटल के बाहर खड़े हैं, एसएसजे होटल है। यहाँ पर एलडीए द्वारा इसे कल सीज किया गया था, और सीज इसलिए किया गया था क्योंकि लखनऊ में अभी हाल ही में लेवाना होटल में आग लगी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं होटल है, यहाँ पर निर्माण भी हो चुका था कई बार, और लगभग अभी अगले महीने ही इसका उद्घाटन फिर से होने वाला था। अभी बीती 2018 की बात करूँ तो यहाँ पर विराट होटल था, उसमें आग लग गई थी और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। उस वजह से इस होटल में भी आग लगी और इस होटल को सीज किया गया। सीज करने के बाद फिर से दोबारा खोला गया, और अब देखने वाली बात यह है कि एलडीए ने अब इसे सीज कर दिया है। 140 होटलों की लिस्ट बनी है और इसमें भी होटल शामिल था। एक बार आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर एलडीए की पूरी पंक्ति लगी है और लिखा है यह निर्माण अवैध है, एलडीए द्वारा सील किया गया है। अब हालांकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतने सालों से एलडीए चुप क्यों था, अगर चुप था तो क्यों था, और सबसे बड़ी बात यह भी देखने वाली होती है कि 2018 के बाद इस होटल को सील किया गया और कल की बात है, कल इसे सील किया गया है। अब एलडीए के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों की साठगांठ भी सामने आती है, और ये होटल बहुत बड़े पैमाने पे बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग तभी जागता है जब एक बड़ी घटना हो जाती है, और घटना हुई लेवाना होटल में। उसके बाद से सीएम योगी ने इस बात का पूरा संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद एलडीए के अधिकारी जागे, वीसी जागे और तमाम कर्मचारी जागे। उसके बाद देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर कोई भी विभाग हो, वो हादसे से ही क्यों सबक लेता है। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो शायद लेवाना होटल में 4 लोगों की मौत ना होती, क्योंकि वहाँ पर भी एग्जिट पॉइंट नहीं था, फायर सेफ्टी का कोई भी प्रमाण नहीं था। आप देख सकते हैं ये एलडीए द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सुरेंद्र कुमार जायसवाल भूखंड 46 व 46 से को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, धारा 28 का 1 के अंतर्गत परिसर पूरी तरह से सील किया गया है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि विराट होटल इसके जस्ट बगल में था, और 2018 में इसमें भीषण आग लगी, 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 8 लोग मरे, 8 लोगों की मौत हुई। प्रशासन भी उस समय जागा, लेकिन कुछ एक वक्त तक जागा। हालांकि अगर प्रशासन लगातार सजग होता, क्योंकि सीएम योगी की सरकार उस समय भी थी और अभी भी है, लगातार सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, और कल दोपहर की बात है एलडीए ने इस पूरे भवन को सील कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस भवन का निर्माण दोबारा कराया गया था, क्योंकि एक बार पहले से भी सील हो चुका था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक सीलिंग की प्रक्रिया है, सीलिंग का थप्पा लगा है सरकार द्वारा, एलडीए द्वारा,
और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये भी देखने को मिलती है कि ऐसा हालांकि क्यों होता है कि कोई भी बड़े हादसे के बाद सरकार या विभाग इन सब मामलों में सबब क्यों लेती है। हालांकि इस मामले को अगर पूरी तरह से पहले भी देखा जा चुका होता तो शायद इतनी बड़ी घटना लेवाना होटल या अन्य जगहों पर, क्योंकि और भी तमाम जगह हैं, तमाम सरकार ने 140 होटलों को चिन्हित किया है और 140 होटल को लगातार मैं बता दूं कि ध्वस्तीकरण से लेकर सीलिंग की प्रक्रिया भी बहुत जल्द हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी है, कर्मचारी, इनकी मिलीभगत से इन तमाम होटलों में एनओसी और तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल तो जाती हैं, लेकिन जब खामियां आती हैं, जब चीज़ें होती हैं, जब हादसे होते हैं, तब सरकार और विभाग इन सब चीज़ों से सबक लेता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो इस होटल में कांड हुआ था, उसके बाद लेवाना होटल में कांड हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई एलडीओ सरकार करती है। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। प्रयागराज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में नौकरशाही और भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ सत्ता में रहेगी और पार्टी निकाय चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है, चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रही हूँ। खबर अलीगढ़ से है, जहाँ जिलाधिकारी जिले के सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों व कार्यालयों के रखरखाव की जानकारी ले रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने जिला मलखान सिंह चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर डॉक्टर व मरीजों से मुलाकात कर जानकारी ली। बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय अस्पताल के व्यवस्थाओं को देख संतुष्ट नजर आए। जिलाधिकारी महोदय जो है ओपीडी एरिया से होते हुए जी पीछे की तरफ यहाँ पे 22 नंबर वार्ड में हमारे फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन जो है वो ओपीडी है, पीडियाट्रिशियन से मिले, वहाँ बच्चों से जो लाइन लगी थी उनके बच्चों से, उनकी माताओं से बात की कि क्या परेशानी है। काफ़ी मरीज थे वहाँ पे, और फिर वहाँ से देख के आई विभाग। खबर अमेठी से है, जहां राज्य स्वास्थ्य राज्य गृह मंत्री के जनपद अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो डॉक्टर बैठते हैं ना ही वहां का स्टाफ। वहीं दवाओं और पैथोलॉजिस्ट की जांच की गई तो वहां भी अव्यवस्था देखने को मिली। साथ ही दूसरी ओर सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक होने की बात कह रही है। इस दौरान सीएमओ से बात कर इलाज व दवाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी। दवा के दिल्ली ले जाना जाओ, वहाँ से बाहर लिख देते हैं कि आप जाइए वहाँ जांच कराओ बाहर, यहाँ कोई किट की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि यहाँ समस्या हमारी निदान हो। इसी बाजार शुक्ल बाजार सीएससी में हम आए थे इलाज के लिए, यहाँ पे जब आए तो डॉक्टर साहब ने जांच लिखा। कौन से डॉक्टर साहब? कौन? यहाँ के सीनियर डॉक्टर थे। हाँ, वर्मा जी। हाँ, जब यहाँ आए दो नंबर में जांच कराने के लिए तो यहाँ डॉक्टर साहब जो जांच करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ किट 10 दिन से नहीं है, आप बाहर में जांच करा लीजिए। खबर हरदोई से है, जहां मुंबई पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। बता दें कि एक युवक की बोरीवली में ट्रेन हादसे में मौत हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों को दे शव को एयरपोर्ट से भेजने की जानकारी दी। तो वहीं जब परिजनों ने को शव सौंपा गया तो किसी की ओर था। एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले के संज्ञान में ले शव को अगली फ्लाइट से लखनऊ भेजने के निर्देश दिए हैं।
कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंभीरपुर कछार के प्राइवेट स्कूल में हुई बेइज्जती को छात्र बर्दाश्त न कर सका और घर आकर सुसाइड नोट लिखने के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आपको बता दें कि परिजनों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो छात्र ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोलकर छात्र को बाहर निकाला। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र तालीपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि परिवारजनों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने बताया कि युवक के सर पर व हाथ में गंभीर चोट है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या पुरानी दुश्मनी थी? हाँ, खेत के पीछे है। कब से चल रही है? कम से कम हो गई एक साल। अभी क्या मारपीट की आपने? शिकायत करी है पुलिस में? हाँ करी है। क्या घटना हो गई? घटना क्या है, इसके खेत 20-25 साल पहले जोते रहे, अब इसने ले लिया कानूनी कार्रवाई से। कौन जोते रहा? छोटे मंगल और यादवन में पुजारी। सरकार चेंज भाई तो। सरकार तो इस वजह से इन लोगों ने ले लिया है। वो ही लड़ाई चली आ रही है, एक बार और इसे मारपीट करी है। थाने में FIR है। सतेंद्र नाम का पेशेंट आया था, 25 ईयर्स ओल्ड मेल था और वो तालेपुर एरिया से रहने वाला था, बिलोंग करता था तालेपुर एरिया का। बताया जा रहा था कि कोई उनका मारपीट आपसी झगड़ा हुआ है, जो कि कम से कम 5-6 लोगों ने उसको मारा है और शार्प और ब्लंट ऑब्जेक्ट दोनों की इंजरी थी उस मरीज को, और उसका हाथ में काफ़ी चोट थी, सिर में भी चोट थी, जिसके कारण हमने उसको प्राथमिक उपचार दिया है। देवरिया के रामपुर में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं विवाहिता के शव को जलाकर नदी में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि परिजनों की सूचना पर पहुंचे पुलिस आगे की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। मर्डर कर दिए हैं सर, और उसके बाद उनको हमको फोन किए, मतलब बहन में रहती शादी हुई थी रामपुर बुजुर्ग बनाटा टाला, लगभग 2 साल हो गया। हाँ, और उसके बाद हमको फोन आया था, मैं बहाने के कलकत्ता, उससे फोन आया था, वो हमको बताया कि तबीयत खराब है वहाँ से, तो हम लोग फोन किए फिर प्रधान जी के पास। प्रधान जी ने बोल रहे थे कि हाँ हम गोरखपुर लेके आए, उसका तबीयत खराब है, पेट गर रहा था, उसका उल्टी हो रहा था। तो उसके बाद हम फिर फोन लगाए प्रधान जी को कि आप कहाँ पर लेकर हैं, तो बोले कि हम गोरखपुर में हैं। हम पूछे कौन हॉस्पिटल है, तो बोले कि हॉस्पिटल अभी हम थोड़ी देर के बता रहे हैं। के साथ घटना ये हुई कि वो 6 महीने से वो लोग दहेज के लिए लोग बहुत उसको परेशान कर रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, उसको मारता थे, गाड़ी देते थे, घर में वो करते थे। लड़की ये बात मेरे साथ अभी नहीं बताई है। कैसे पता आपको? आपका पता यही चला कि हमारा एक छोटी बहन कलकत्ता, वो उसका रिश्तेदार वहाँ पर है, वो रिश्तेदार से फ़ोन किया कि पापा आप जाइए, बहन का तबीयत बहुत ख़राब है, आप देख लीजिए, और उसके बाद खबर दिया। तो उसके बाद दिख गया हम, तो खबर मिला है कि वो बोल रहा है कि मेडिकल गोरखपुर देवरिया लखनऊ चला गया। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा होगा, जहां एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। आपको बता दें कि हादसे में कार सवार युवक और युवती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर दोनों मृतकों की पुलिस ने पहचान कर ली है। वहीं माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। खबर चंदौली से है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर जनपद वासियों से SP ने अपील की है कि कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। वहीं जिले में बच्चे चोरी के बढ़ रहे केस को गांव में दहशत है, जिस पर SP ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खबर औरैया से है, जहां फम्फूद थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पटक के खेत के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान बिजली की लाइट टूटकर उन पर गिर पड़ी, जिसके बाद 15 वर्षीय किशोर करंट की चपेट में आ गया और परिजनों ने आनंद फार्म ने 50 सया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है।
लाइनमैन लाइन पड़ी थी खेत में, तो मैंने फ़ोन किया लाइनमैन को, तो मैंने कहा उनसे कि आप ये तार जुड़वा दीजिए, मैं रोड में पड़ी है। उन्होंने नहीं सुनी और वो तार टच हो रही थी खेत वाली तार से, उस पर पड़ी हुई थी, तो वो बच्चा वहीं खेल रहा था, उस तार से पता नहीं बॉल वॉल उठा रहा हुआ क्या हुआ, तो वो तार से टच हो गया। एक हमारे पास पेशेंट आया था भोले, 15 ईयर्स ओल्ड मेल एंड द रेजिडेंट ऑफ द नगला पाठक, फकुंद एरिया का था। वो बच्चा किसी खेत में गया था, खेत में खेल रहे थे बच्चे, और जिसके कारण ऊपर का जो वायर था, इलेक्ट्रिसिटी वायर 11,000 जिसका इलेक्ट्रिक पावर था, वो उस करंट वायर के गिरने से पूरे एरिया में करंट प्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण उस बच्चे को टच हो गया। और बच्चा जो हमारे पास आया ब्रॉड डेड था, उस बच्चे को काफ़ी दुर्घटना के कारण बचाया नहीं जा सका, वो बच्चा मृत अवस्था में ही हमारे पास लाया गया था। सुल्तानपुर में 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। वहीं इस मौके पर कामना की जाती है कि गणनायक अगले बरस जल्दी आना। देश भर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही 10 दिनों में गणेश उत्सव का समापन भी किया जा रहा है। गणेश प्रतिमाओं को पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा का धूमधाम से विसर्जन कर दिया। उद्देश्य की बात है, निश्चित सी बात है कि धार्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, और यह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में लोगों का रुझान धर्म के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ तक स्थापना से और विसर्जन का सवाल है, गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिमा की स्थापना होती है और अनंत चतुर्दशी जो कि आज है, आज के दिन विसर्जन होता है। सुल्तानपुर में ये भी है कि लोग स्थापित करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी विसर्जन करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जो विसर्जन होता है वो अनंत चतुर्दशी के दिन ही होता है। यह उत्सव गणेश उत्सव जो है सुल्तानपुर में इस समय बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और प्रत्येक वर्ष मिलन मैरिज लॉन पे गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन के पूजा पाठ और भंडारे के उपरांत विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।